जब कि मानो ही दानो बना फिरते हैं, पल में बुझाते जली ज्योति जगमग, देवता बन के देवी कहाँ देखते हैं। सन 85 नवंबर की ऐसी कहानी, सजा दीप घर घर थी उस दिन दिवाली। एक दरोगा की करतूत को सुनिए, अपने पत्नी की कैसे वो अर्थी निकाली। एक लाइन गजल का नमूना बा कि बिगड़ी मेरी बना जा, अब बिगड़ी मेरी बना जा, आज मेर वाले का जा, बिगड़ी मेरी बना जा, आज मेर वाले का जा, बिगड़ी मेरी बना जा, आज मेर वाले का जा, बिगड़ी मेरी बना जा। लेकिन गाने का भाव है कि जो कर्म को न जाने, जो कर्म को न जाने, तकदीर क्या करेगी, जो कर्म को न जाने, तकदीर क्या करेगी, जो कर्म को न जाने, तकदीर क्या करेगी, जो कर्म को न जाने, जो कर्म को न जाने, और तकदीर क्या करेगी। मन ठीक ना तो राम की, मन ठीक ना तो राम की, तस्वीर क्या करेगी, मन ठीक ना तो राम की, तस्वीर क्या करेगी, मन ठीक ना तो राम की। यहाँ से कहानी का शुरुआत है कि जिला धनबाद में तिसरा थाना एक आता है, जिला धनबाद में तिसरा थाना एक आता है, कोयले की शोभा उनकी गौरव बढ़ाता है, कोयले की शोभा जिनका गौरव बढ़ाता है। वहीं पे अरबी यादव थाना के प्रभारी थे, परिवार झरिया में रहता था दुराचारी थे। धनबाद में एक तीसरा थाना आता है, उसी तीसरा थाना पर आरबी यादव यानी राम वृक्ष यादव वहाँ के थाना प्रभारी थे। उनका परिवार झरिया में रहता था, लेकिन वो बड़ा अयासी किस्म का रहलन। कैलन का कि अरे पुत्र दो पुत्री एक शिवरात्रि उनकी नारी थी, पुत्र दो पुत्री एक शिवरात्रि उनकी नारी थी, मगर रेखा मंजी दरोगा की दो प्यारी थी। दरोगा जी अपने औरतिया से कम संबंध रखे, दूठे रखेल रख लेना, उनका नाम रहे मंजू रेखा। करे का कि सदा शिवरात्रि को दरोगा जी सताते थे, सदा शिवरात्रि को दरोगा जी सताते थे, मंजू रेखा के साथ मौज उड़ाते थे। एक दिन दरोगा साहब घूम रहे बस्ती में, एक दिन दरोगा साहब घूम रहे बस्ती में, जहाँ पे लोग नाच देख रहे मस्ती में। एक दिन दरोगा साहब घूमत गए गस्ती में, और एक ठे गांव में नाच होते रहे, नाच में पहुंच गए। पहुंचना तो देखला का कि अरे लवंडा नाच रहा बड़ा खूबसूरत था, लवंडा नाच रहा बड़ा खूबसूरत था, वह दरोगा के आंखों में हुस्न मूरत था, वह दरोगा के आंखों में हुस्न मूरत था। दरोगा जी जब पहुंचलन, लवंडा बड़ा निमना एकदम सुघर सागर रहे, आ खूब पतर की करिया हिला के गावत का रहे, तनि से बढ़ के मास्टर दे जाता। अरे बुनवा पर खुनवा, ओ कि अब बुनवा पर खुनवा, अरे करावत तालू हो कि बुनवा पर खुनवा, करावत तालू हो काहे काची उमर में, अरे मुआवत तालू हो काहे काची।
उनका मन खराब होके लगा। वाह वाह। नाच देखला, जब नाच खत्म हो गई, लवंडा के बुला कल बबुआ ये बता हमारा कहीं तू नौकरी करबे। लवंडवा चाहे लालच बस चाहे डर बस कहलस कि सरकार काहे न करम। दरोगा जी कहलन कि तनखाइयो अच्छा दे, भोजनो अच्छा दे, व कपड़ा लत्ता कुल दे। लवंडा तैयार हो गई। लवंडा के लेके दरोगा जी अपना घरे पहुँचलन। पहुँचला के बाद जे दिन से घूम के आओ लवंडवा का चेहरवे देखत तर्ज बाग से बदल के तनी। यह तर्ज बा कि अरे पीरितिया कि अब पीरितिया काहे के लगवले बेकल जिया रहलो न जाय। ये तर्ज बा लेकिन दरोगा जी कैलन का कि अब नौकरवा अरे नौकरवा ले अइलन दरोगा सूरत देखी जिया लालू भाई। नौकरवा ले हिप्पी हसीन नीक लागे सुरतिया, हिप्पी हसीन नीक लागे सुरतिया, आ लड़किन के जैसन बा मुहवा मुरतिया। लड़किन के जैसन बा मुहवा मुरतिया। रात में दरोगा जी तेल लगवावे, रात में दरोगा जी तेल लगवावे, काम गलत करे गोद में सुतावे। काम गलत करे गोद में सुतावे। कि अब झर लवा अरे झर लवा ले अइलन दरोगा सूरत देखी जिया लालू भाई। झलावा ले दरोगा जी जब कहीं से आवक घूम घाम के राती के लंडवा से कहा कि बबुआ तन तेल गरम करके लिया बड़ा ठंडा लगत बा, तन लिया मालिश कर। तेल लगौले के बाद दरोगा जी वो लवंडा का संगे जो ना चाही तवन करे लगलन। ए बाबू कुछ दिन जब गुजर गई तो दरोगाइन के कुछ शंका भेल कि आखिर में का कारण बा कि पहलवा तनी मनी बोलते रहले एकदम में नहीं बोला। बिरहा का टेरी बा कि अरे महबूबा हिप्पी वाला हो गया कि तज के लाज धर्म कीड़ा कलाप में डूबा। महबूबा हिप्पी वाला हो गया बाबू, तजके लाज धर्म कीड़ा कलाप में डूबा महबूबा हिप्पी वाला हो गया। हुआ क्या कि एक दिन रात्रि में शिवरात्रि दुर्गाइन अपने मन में सोचली कि आखिर में करत का बना पति देव हमार। एक दिन रात्रि में शिवरात्रि मन में गौर जमाई है, पता लगाने है तो दूसरी कोठरी में छिप आई है। खाना मंगा नौकर से दरोगा, खाना मंगा नौकर से दरोगा, अपने कोठरी में खाए हैं, अरे नंगे दोनों होकर के नौकर से तेल लगवाए हैं। एक दिन मन में शंका समाये गई। दरोगाइन दूसरा कोठरी में छिपके और खिड़की खोल के देखे लगली। दरोगा जी ने अपनी कोठरी में लौंडा से खाना मंगौला और खाना मंगौला के बाद जब खा लेना तो कहें तेल लगाओ बचवा। तेल लगौला के बाद जब अपने तेल लगावे लगलन, ई बर्दाश्त ना भई शिवरात्रि से। शिवरात्रि दरवाजा खोल के देख ली और देखले के बाद में आवाज दे के बोल के कहत का भाई तर्ज बा एक लाइन के। यह तर्ज बा कि अरे गमन कराई पिया घर बैठवल हम नार जानिला, कि अब गमन कराई पिया घर बैठवल हम नार जानिला। पिया बाजई बा तू भी देखवा हम नार जानिला। पिया बाजई बा तू भी देखवा हम नार जानिला। पिया बाजई बा तू भी देखवा हम नार जानिला। दरोगाइन बोल देली और कहलिन का यार हिप्पी लवंडा संग सूतला सजरिया हम नार जानिला। हम नार जानिला। बोरला कुलावा का पगरिया हम नार जानिला। बोरला कुलावा का पगरिया हम नार जानिला। बोरला कुलावा का पगरिया हम नार जानिला।
करिया हम नार जानिले हम नार जानिले तू हके लाज ना गतिया हम नार जानिला तू हके लाज ना गतिया कहली दरोगा जी का कान खड़ा हो गई पर देख उतर गए अपने चारपाई से नीचे और नीचे उतर के कहत का अपना तर्ज बा बदल के तनी सा कौन भैया ये तर्ज बा कि अरे बोले जानी बोलो कि अब बोले जानी बोलो हो बोले जानी बोलो पपिहरा हरि का बोल जानी बोला पपिहरा हरि का बोल जानी बोला पपिहरा सोच लें कि अब तब रंगे हाथ पकड़ा के लिए बड़ा बदनामी हुई हाथ जोड़ के अपने मेहरा से दांत चिहार के कहे का लग लगल कि देखा हम तो तुहरे आदमी नहीं देखा गलती तो हम कैले ही मानी लेकिन हमके तू माफ कर दन हमार बेइज्जती तो तोरो बेइज्जती हुई ए बाबू कैसे दरोगा जी दांत चिहार के अपने मेहरा से माफी मांगत बड़ा तर्ज वाले कहत का बाटन अरे जतिया ऐसा काम ना करब और का कहल कि अरे अब हम तुहके कबो ना सतैब पतिति के गरवा से लगाला पतिति के गरवा से लगाला पतिति के जवन कहू तवने करब माफ कर औरतन के दिल बड़ा मुलायम होला माफ तो कह दे दुर्गाइन लेकिन दरोगा जी अपने आदत से बाज ना आइलन उहे कमवा जारी रखलन जब विरोध करे शिवरात्रि वो समय दरोगा जी करण का कि अरे नौकर नहीं हटाए दरोगा अब नैनो से दूर नटारे गर कहती कुछ तो प्रतिदिन उसको मारे अगर विरोध करे शिवरात्रि दरोगा जी डांड खबर दा मेहरारू हो मेहरारू जी संग रहा बढ़ चढ़ के बात करबो ठीक ना होई हम चाहे कुछ हो करूं तो से का मतलब बा ए बाबू डांड दरोगा जी दरोगा इनके लेकिन तर्ज भाई एक दिन के बाद का भाई फिल्म का नाम बहिना तुहरे खातिर गनवा का बोलिए बा कि अरे के करे अंगनवा फूले और चंपा या चमेली आए बाबू के करे अंगना फूले के करे अंगना फूले और लिमुला रास्तदार बाबू है क्या कि 13 नवंबर सन अरे 85 वाली रतिया ए बाबू रहली दिवाली घर घर रहली दिवाली घर घर अरे भइल मुजियार बाबू हे रहली दिवाली घर घर भइल मुजियार बाबू
नवंबर को 13 तारीख को दीपावली का पर्व था। उसी दिन शिवरात्रि जब खाना खाने के बाद रात्रि में सो जाती है, दरोगा जी रात्रि में पहुंच गए अपने मेहरारू कोठरी में। अब पहुंच के कैलन का हो कि अरे सूतल शिवरात्रि रहली, अब सूतल शिवरात्रि रहली, अब अपने कोठरी आए बाबू कि अधमय धर्मी कैलन, अधमय धर्मी कैलन, अरे धोखावा कमार बाबू। अपने औरत वाली कोठरी में पहुंच के और सुतले में चारपाई में बांधे शुरू कर देना, हाथ गोड़ जब बांध देना, जब सीना पर रस्सी लपेट लेना बाबू, वो समय शिवरात्रि का नींद खुल गई। और नींद जब खुल गई अपने पति का हरकत के देख के रो रो के अपने जान को भिक्षा मांगल बा, तर्ज छे बा कौन भैया, ये तर्ज बा कौन, अरे छतावा तानी दाए देवरू, छतावा तानी दाए देवरू, दहिया भीगे सागर, छतावा तानी दाए देवरू, दहिया भीगे सागर। शिवरात्रि कहत का बा कि जनवा छोड़ी दा हो बलमुआ पैया पारी तोहरी, जनवा छोड़ी दा हो बलमुआ पैया पारी तोहरी, जनवा छोड़ी दा हो बलमुआ पैया पारी तोहरी, और जनवा छोड़ी दा हो बलमुआ पैया पारी तोहरी, कि खेबे बचवन संग उमरिया जाके नैहर नगरी, खेबे बचवन संग उमरिया के अपने पति से प्राण दान मांग रही थी, भीख में अपने जान को मांग रही थी, तब तक आवाज सुन करके कभी रवि और कमला दोनों लड़के जग जाते हैं। जब जग जाते हैं तो करते हैं क्या, क्या हो सुनी के आवाज आई कमला रवि बचावा पैया पारी तो हरे, सुनी के आवाज आई कमला रवि बचावा पैया पारी तो हरे, देखल पापा करहनिया माई बालल सरी, दोनों लड़का आगे कि माई के बाबू बांध के और मारल चाहत बना। दोनों लड़कवा रो रो के अपने बाबूजी के पैर पकड़ लेन, आ दरोगा जी के पैरवा पकड़ के दोनों लड़कवा कहत का बन, तर्ज बा बाबू, एक माता बहन लोग कहानी कहली वो समय राती में गावेली कैसे के, कैसे भैया कि अरे सुना सुना भैया आ मोलावा होना, भैया आवतान बाबा के धमाना होना। तीनों लड़के रो रो के कहते हैं कि अरे बचावा रोई रोई धरल चरनावा होना, कि पापा अरे पापा जनी मारा माई के पारनावा होना, पापा जनी मारा माई के पारनावा होना, कहत का बनन कि अरे पापा तुहरा तीनों हो जाए हना लाला नावा होना, कि पापा माई बिना के करी पलनावा होना, अब पापी के फाटल नहीं या सुनरू दानावा होना, कि रवि खोले लागल माई के बंधनावा होना, अरे रवि खोले लागल माई के बंधनावा होना, ¡Vale!
आयल जब ना सुनले, बड़का लड़का का नाम रवि रहे, जाके अपने माई के रस्सी खोले लागल। वो समय दरोगा जी दोनों लड़कों को मारते हैं चमाते से और तमाचे से मार करके एक कोठरी में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अपने जब दुल्हन के शेज के नज़दीक पहुंच जाते हैं जहां बांध रखे थे, शिवरात्रि अपने पति की हालत को देख करके रो रहे कि अब हमारा जान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाबू जी मुँह से आवाज़ तक ना आवे, आंसू झरझर शिवरात्रि की आंखों से बहत बा, रो रो के अपने पति से कहत का बा कि बोली नाही पावे मुँह से, अरे बोली नाही पावे मुँह से, बरस नजरिया हो रामा, अरे दहिया गईला बाबा नाय जी, कापेले गईया सैया बन के कसैया हो पापी, अब दिहले अगिनिया लागाय जी, धधा कलया गिनिया जारी गईली बदनिया हो रामा, अरे शिवरात्रि रहली तड़फड़ाय। बाबू दरोगा जी मट्टी का तेल ऊपर से गिरा करके और माचिस बार देते, जलने लगी शिवरात्रि, जल करके एक तरफ गिर जाती है। गिरने के बाद छटपटा रही है बाबू, लेकिन दरोगा जी के कोनो असर नहीं बा। ये धुआं देख करके और लाश की जली हुई बदबू से बगल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वही बगल में एक डॉक्टर मोहन कन्नौजिया रहते थे। डॉक्टर साहब जब देखते हैं वहां का दृश्य समझ जाते हैं कि आए हाय यहाँ तो मट्टी का तेल महक रहा है, ये तो साजिश है, दरोगा ने अपनी पत्नी को जान से मारा है। ये बात सोच करके मोहन कन्नौजिया जो है फोन उठाते हैं और पुलिस स्टेशन पे फोन कर देते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां पे आते हैं और होता है क्या, खबर पाए उपाध्याय जी तुरंत वहां पे आए हैं और हॉस्पिटल में उपचार हेतु शिवरात्रि को हॉस्पिटल धनबाद पठाए हैं। अरे विज्ञप्ति विशेष सूत्रों से तब घटना का उपचार हुआ और बीडी राम के आदेश से वह कातिल गिरफ्तार हुआ। ए बाबू बीडी राम आदेश देते हैं कि दरोगा कातिल इसे पकड़ लिया जाए। दरोगा गिरफ्तारी हो जाती है, शिवरात्रि को हॉस्पिटल धनबाद में पहुंचा दिया जाता है। तीनों बच्चे अपने माँ से मिलने के जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं बाबू, वहाँ रो रो करके अपने माँ के बचाव के लिए डॉक्टर के पैर को पकड़ करके कहते हैं क्या थोड़ा सा बढ़ के पहपट बा जीवनिया डॉक्टर बाबू हो, तो होश हुआ शिवरात्रि को जब खुलली नजरिया हो, धीरे धीरे बचवनी से रोवया कवरिया हो, पीड़ा में रहली जकर बदनिया डॉक्टर बाबू हो, धीरे धीरे बोली तब जवनिया डॉक्टर बाबू हो। अपने बच्चों को देख करके रो रही है, थोड़ा सा होश आया, पूरा बात बतलाती है कि हमें हमारे पति खुद मारना चाहे, लवंडे की बात और दोनों रखेलों की बात बतला देती है। बतलाने के बाद बाबू मर जाती है शिवरात्रि, तो मर जाती है लेकिन लड़कों का होता है का आधा बाय हो। अरे पानिया के बिना जैसे तड़पे ले मछरिया भैया, अब पानिया के बिना जैसे तड़पे ले मछरिया भैया, रोवेला मलहवा जेकर टूटल पतवा, रोवेला मलहवा जेकर टूटल पतवा, अरे गैया के मरले जैसे रोवेला बछरुआ भैया, कि अब गैया के मरले जैसे रोवेला बछरुआ भैया, वैसे तीनों बचावा रोवे लहिया पार, वैसे तीनों बचावा रोवे लहिया पार, तीनों बचवन के अब भाव से लूटी गई लय भैया, आई के नवारिया फांसल मजधार, आई के नवारिया फांसल मजधार। तीनों लड़के जो हैं
रो रहे हैं। वाह, दरोगा जी के ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा में लवंडा जो है आकर के अपना बयान देता है। लवंडे का नाम हिप्पी नरसिंह कुमार था। दोनों रखेल लड़की रेखा और मंजू आकर के अपना बयान देती है। बयान में जब बहस हुआ उस समय न्यायाधीश के एन पी वर्मा जी थे, आजीवन सजाए सुना देते हैं। दरोगा जी अपील करते हैं उच्च न्यायालय पटना में, लेकिन हुआ क्या, कि अरे कैले दरोगा उच्च न्यायालय में अपील आए भैया, कैले दरोगा उच्च न्यायालय में अपील आए भैया, घोसे सजाई ला भाई ला बरकरार, घोसे सजाई ला भाई ला बरकरार। उच्च न्यायालय से भी आजीवन कारावास की सजा हो गई। दरोगा जी आज भी पटना सेंट्रल जेल में हैं। वाह, वो तो उधर चले गए, लेकिन दुनिया का कहना है दरोगा जी के प्रति, कहना है क्या, तनिष बढ़ के भैया, अरे दिहले सर लटकाई अब अपने करनी पर पछताई, जेहल में उमरिया दरोगा लगर। दरोगा जी के नाम पर दुनिया वाले थूकते हैं। दरोगा जी आज भी सेंट्रल जेल पटना में हैं, लेकिन हुआ क्या, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुस्काए, गुरु बिहारी गुरु गणेश बच्चन जी शोक मनाए, स्वर्ग बसे चंद्र का कवि क्या क्या कर्ज करवाए, अरे महबूबा हिप्पी वाला हो गया, विक्रमा कवि तिलस्वर कैसी है मनसू।